अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। पूरे जोश, पूरे जुनून, पूरी मोहब्बत, पूरे खुलूस के साथ कहते हैं वाह भाई वाह। जैसे मैंने कहा पूरे जोश पूरे जुनून के साथ, सामने की रूम में बैठी हुई एक लड़की, वाह भाई वाह। लड़कियां अदा दिखाने का, नखरे दिखाने का कोई मौका छोड़ती नहीं है। उनका जोश भी इतना ही वाह भाई वाह। उनसे को जरा जोर से चलो, हाँ तो जोर से ही तो चल रही है क्या, इससे ज्यादा जोर से क्या चलूं, है ना। इनका जोश और जुनून तब जागता है जब इनकी बहन की शादी हो रही है। जीजू 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 अबे क्या आपकी छाती पे मुक्के मारेगी, कर क्या रही है। जीजू 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 को रसगुल्ला खाना पड़ा, हिल तो बात सीधी खड़ी रहे। भूपी हंसते हंसते तुम्हें क्या हो गया, भूपी तुम भी किसी के जीजू हो क्या। भूपी को इनकी साली याद आ गई है ना। भूपी हंसो, खुश रहो, जीवन में हंसना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। मुझे ऐसे ही लोग पसंद है जो खुल के हंसते हैं और खुल के रोते हैं। रो, आंसू निकल आए, हंसो, खुल के हंसो, हंसने के नाम ऐसे थोड़ी ये कोई हंसी है। कई लोगों का चेहरा ऐसा होता है, उन्हें कोई लतीफा सुना दो, कोई चुटकुला सुना दो, सुनाने के बाद बोलेंगे हाँ तो जी करता है, निकाल के बताऊं तो। वाह भूपी वाह, भूपी के लिए तालियां बजाइए, क्या हंस रहा है भूपी, वाह हाँ हाँ वाह। देश समझेगा कि इसको सिखाया गया ऐसा कर रहा, लेकिन हम जानते हैं कि तो असल में हो रहा है। वाह भूपी वाह, हंस आराम से हंस लिए। मैं तो फिर कुछ ऐसा कह दूंगा फिर हंस पड़ोगे तुम, है ना। किसकी बात पे ज्यादा हंसी आ रही है, लड़कियों की बात पे, किस पे बताओ। वैसे वैसे कुछ करें, हंसो यार, हंस क्यों नहीं रहे, हंसो, जम के हंसो हंसो। अपने आप को हंसने से रोको मत, जम के हंसिए। मैं भी हंसा एक बार, एक बार एक छिपकली का नीलामी चल रही थी, छिपकली की, हाँ छिपका, हाँ क्या क्या बिल्कुल सही कह रहा हूं, रेड टी शर्ट वाली आंटी। तो छिपकली की नीलामी चल रही थी, एक ने बोला 1,00,000, दूसरे 2,00,000, तीसरे 10,00,000, चौथे ने 1,00,000। छिपकली की इतनी कीमत, बोले 1,00,000, एक पहले वाला मैं लूंगा, दूसरा वाला मैं, झगड़ा हो गया बुरी तरह, पिटाई चालू की, पुलिस आई, गिरफ्तार किया सबको, केस चला, अदालत में ले गए, जज साहब के सामने, क्या भाई क्या मसला क्या है। बोले साहब छिपकली की नीलामी हो रही थी, एक ने लगाई 1,00,000, दूसरे ने 2,00,000, तीसरे ने 10,00,000, चौथे ने 1,00,000, और उसमें झड़ पड़े। जज साहब बोले ऐसा क्या है इस छिपकली में। बोले साहब एक छिपकली ऐसी चीज है जिससे हमारी बीवी डरती है। जज साहब बोले 2,00,000। आज हमारा ये जो स्पेशल है ये यूपी स्पेशल एपिसोड ही है। तीनों ही हमारे जो कवि हैं वो उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में आए हैं। ये भूपेंद्र हैं जो आगरा में रहते हैं और प्यार से सब इन्हें भूपी कहते हैं, तो भूपी फ्रॉम यूपी आगरा उत्तर प्रदेश। ये मीरा तिवारी हैं जो बहुत अच्छे गीत कहती हैं, गजलें कहती हैं। ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में आई है। और ये प्रशांत देव हैं, और प्रशांत बहुत जबरदस्त गीतकार हैं, नई तरह के गीतकार हैं। इनके गीतों के बिंब, इनके गीतों के प्रतीक, इनके गीतों के सिंबल्स, इनके गीतों की सिमिली आपको नॉर्मल नहीं मिलेगी। ये फूल पत्ती हंसी मुस्कुराहट वाले नहीं है, ये नई पीढ़ी के गीतकार हैं।
इनकी मोहब्बत अलग ढंग से चलती है, इनके इनके तरीके भी अलग हैं। ये उत्तर प्रदेश जैथरा में रहते हैं और तीनों हमारे साथ हैं आज इस उत्तर प्रदेश स्पेशल में। हम स्वागत करते हैं इन तीनों का। भूपी तुम हंस चुके, नाउ यू नॉर्मल, यू कैन डू समथिंग फॉर अस, श्योर यू शुड, गॉड स्पीड। भूपी फ्रॉम यूपी, जोरदार तालियां। मुझ जैसे कवाड़ को सोने में बदलने वाले पारस पत्थर श्री शैलेश लोढ़ा सर के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। इस सदी का सबसे कामयाब आशिक आपके सामने। मोहब्बत के बारे में, सबकी मोहब्बत अलग अलग होती है, लड़कों की अलग होती है, लड़कियों की अलग होती है, दोनों की मोहब्बत में क्या फर्क होता है? मैं बताता हूँ, लड़कों की मोहब्बत और लड़की की मोहब्बत में क्या फर्क होता है। लड़की को मोहब्बत हो जाए तो उसकी सहेली को पता भी नहीं चलता। हो सकता है दोनों को एक ही से मोहब्बत हो, दोनों को आपस में पता नहीं चलता, बस उसकी चाल बदल जाती है। जैसे ही वो सामने आए, अच्छी भली चलती हुई लड़की चल रही होगी, जैसे ही सामने आएगा लड़कों की मोहब्बत होती है दूर से, तेरी वाली आ रही है, तेरी वाली आ रही है, तेरी वाली आ रही है, बस इतना ही फर्क होता है। नजरिया क्या होता है, एक शब्द है मुड़ मुड़ के देखना, दोनों के लिए उसका क्या वो होता है मायने, मैं बताना चाहूंगा। तुम्हें क्या जुल्फ सवारी, दुपट्टा लहराया और हो गया मुड़ मुड़ के देखना तेरा। आए, आए। तुम्हें क्या जुल्फ सवारी, जुल्फ सवारी, दुपट्टा लहराया, दुपट्टा लहराया और हो गया मुड़ मुड़ के देखना तेरा। अरे कितनी नब्ज दबानी पड़ती हैं, हमसे पूछ क्या है मुड़ मुड़ के देखना तेरा। आए, 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 आए। बहुत अच्छे। मैं आगरा का रहने वाला हूं जी, और आगरा में ऑटो बहुत मशहूर है। अच्छा, चलते तो हर जगह ही है, लेकिन आगरा के ऑटो के बारे में मैं आपको बताना चाहूं। बताओ। पहले तो सड़क पे कहीं जगह ही नहीं होती, एक के पीछे एक ऑटो ऐसे चलते हैं जैसे बालों में जू। वाह, क्या उदाहरण है। और थोड़ी बहुत जगह बसती है तो लोग वहां से भैंस ले जाते हैं। अच्छा, आगरा के ऑटो में आगरा के ऑटो तो हर जगह एक जैसे ही होते हैं, दो या तीन लोगों के लिए बैठने के लिए जगह होती है, लेकिन हमारे आगरा के ऑटो में 12-13 लोग बैठ जाते हैं। अच्छा, पता ही नहीं चलता, चार पीछे, चार आगे, चार पांच आपस में लटका लेते हैं। आपको कोई भी आगरा का बंदा ऐसा लगे कि जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आ रहे हैं, तो समझ जाओ ऑटो में आगे बैठ के आया है। अच्छा, चार आगे चार पीछे, मेरे कंधे पे एक पीछे वाले का हाथ आ गया, भाई साहब यहीं रोक दो। मैं बोला भाई मैं थोड़ी चला रहा हूँ, ड्राइवर तो ये है। अच्छा, शौकीन लोग हैं आगरा के, डेक भी चलाते हैं स्टीरियो गाने के लिए कि सबका मनोरंजन हो। झनकार बीट्स। तो जैसे डेक ऑन करने के लिए उसने नीचे हाथ करा, ऑटो वाले ने बगल वाली सवारी उछल गई, कह रहा भाई क्या कर रहा है। तो कह रहा भाई क्या कर रहा है, बोला डेक का बटन दबा रहा हूं, तो अपने का दबा ना। अरे आदरणीय। अच्छा, कुछ जो है लैंडमार्क्स बनाए होते हैं कि हमें चौराहे पे उतार देना, पुलिया पे उतार देना। तो मेरे बगल में एक माता जी और थी, करी बेटा बेटा मुझे पीपल के पेड़ पे उतार दियो। बोला माता जी नीचे छोड़ दूंगा, चढ़ अपने आप जाना। और आगरा के लोग मोहब्बत भी करते हैं ना, तो उनके पास दो ही काम होते हैं कि तड़प से भर देती सीना, आंख आंसू बहाती है। हाय हाय। तड़प से भर देती सीना, आंख आंसू बहाती है, यही बस हाल होता है कि जब वो दूर जाती है। क्या बात है। तुम्हारी याद आती है, नशे में डूब जाता हूँ, नशे में डूब जाता हूँ, तुम्हारी याद आती है। आए हाय, आए हाय, भूमि वाह।
बात है भूपी, हमें बड़ी खुशी है कि हम देश को एक नई प्रतिभा दे रहे हैं भूपी के रूप में। और भूपी कमाल कर दिया तुमने, क्या बात है यार, वाह बहुत अच्छे। भूपी तुमने मोहब्बत की बात की तो निश्चित तौर पे मुझे प्रशांत की याद आना स्वाभाविक था, क्योंकि प्रशांत जो है बड़ा कमाल का लिखते हैं। ये मोहब्बत भी लिखते हैं तो अपने अंदाज में लिखते हैं और बड़ा प्रैक्टिकल लिखते हैं। प्रशांत यूं तो एक कॉलेज में पढ़ाते हैं और लेकिन उसके बावजूद जो है वो कविताओं के प्रति इनका अनुराग बड़ा कमाल का। मुझे प्रशांत इसलिए पसंद है व्यक्तिगत तौर पर क्योंकि इनके प्रतीक बहुत अलग हैं। ये उस भाषा में नहीं लिखते जिस भाषा को कई वर्षों से लिखा जा रहा है, इनकी अपनी भाषा इन्होंने गढ़ी है, अपना मुहावरा इन्होंने गढ़ा है। तो मैं बुलाता हूँ प्रशांत देव को। हाँ तो आ गया हूँ मैं, सामने हूँ आपके। पहली चार पंक्तियां मैं भैया पढ़ता हूँ, सुनाओ। ठीक है। दिल के टेम्परेचर को मैंने देखो ऐसे लूज किया। दिल के टेम्परेचर को मैंने देखो ऐसे लूज किया। दिल के टेम्परेचर को मैंने देखो ऐसे लूज किया, नंबर एक ना लग पाया तो दूजा नंबर चूज किया है। जाते हो तो जाओ अब तुम, सॉरी वॉरी रहने दो। आए हाय, तुमने मेरा यूज किया तो मैंने भी तुमको यूज किया। आए हाय हाय, वाह ये ईमानदार आशिक है, बहुत अच्छे। और दो चार शेर भैया, ये वो शेर हैं कि जब ये मैंने कहे तो मेरे जो पिताजी ने मेरे को बहुत दे बेल्ट बहुत पीटा। हाँ हाँ, तो वो जब वो क्या था कि हमारे घर में जब पेंट हुई तो उन्हें वो कॉपी मिल गई, उसमें छेड़ उन्होंने देख लिए, तो वो जब मेरे को पीट रहे थे तो मेरे पिताजी के जो पिताजी हैं वो आए कि क्यों उसको कर रहा है, तो बोले देखो उसने कैसे शेर कहे हैं, तो बोले कि ला मेरे को दिखा। उसने कहा कि जो उसने कहे हैं वो तो बढ़िया कहे हैं। तो मेरे पिताजी बोले कि यही शेर मैं अब मेरी ओर से तुमको कहता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे। तो फिर वो बोलते हैं, मतलब वो खानदानी शेर है। हाँ, तो वो उनको बोले कि ठीक है अब तो इसको मार। अच्छा, हाँ, अब मार। हाँ, अगर ये शेर तुम मेरे लिए कह रहा है तो अब तो मार मार, क्या बात है। तो वो जो शेर थे मैं आपके सामने मैं पढ़ता हूँ। गाली की बौछार करेंगे पापा जी, गाली की बौछार करेंगे पापा जी, गाली की बौछार करेंगे पापा जी, फिर झूठा सा प्यार करेंगे पापा जी, गाली की बौछार करेंगे पापा जी, फिर झूठा सा प्यार करेंगे पापा जी। ये भैया शेर देखो, रोकेंगे वो गर्ल फ्रेंड से मिलने को। अच्छा, रोकेंगे वो गर्ल फ्रेंड से मिलने को, खुद मौसी से प्यार करेंगे पापा जी, रोकेंगे वो गर्ल फ्रेंड से मिलने को, खुद मौसी से प्यार करेंगे पापा जी। और भैया शेर देखो, जब बच्चा कोई काम नहीं करता तो उसके पिता उसको कहते ये काम कर ले। उद्योगों की बातें होंगी रातों दिन, उद्योगों की बातें होंगी रातों दिन, उद्योगों की बातें होंगी रातों दिन, भूसे का व्यापार करेंगे पापा, भूसे का व्यापार, धनिया जैसी अपनी खेती बाड़ी में। अच्छा, दो चार बीघे जमीन पे बहुत नहर दिखाते हैं। हाँ, धनिया जैसी अपनी खेती बाड़ी में, गोबर का भंडार करेंगे पापा जी। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमको उनकी औकात पता है कितनी है, हमको उनकी औकात पता है कितनी है, बस जूतम पे जार करेंगे पापा जी। और ये शेर देखो, जब बाप ऐसा हो तो बच्चे कैसे होंगे। हमको जो करना है हमने सोच लिया, हाय हाय, हमको जो करना है हमने
हमने सोच लिया हमसे बहस बेकार करेंगे पापा जी। आए आए। हमसे बहस बेकार करेंगे पापा जी, बात बात पर हमको तो फटकारेंगे। आए आए। बात बात पर हमको तो फटकारेंगे, पर गैरों से प्यार करेंगे पापा जी। बाहर तो घूमेंगे भीगी बिल्ली से बाहर तो घूमेंगे भीगी बिल्ली से, घर में सिंह सवार करेंगे पापा जी। और ये एक शेर मैंने आप देखना भैया से हाँ। वर्तमान पीढ़ी को तो तरसाएंगे हाँ। वर्तमान पीढ़ी को तो तरसाएंगे, पितरों का उद्धार करेंगे पापा जी। पितरों का उद्धार करेंगे पापा जी। कितनी भी बंदूकें तानो छाती पर हाय हाय। कितनी भी बंदूकें तानो छाती पर, देव तुम्हीं से प्यार करेंगे पापा जी। आए हाय वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है प्रशांत, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। क्या बात है, हमको जो करना है हमने सोच लिया, फिर भी बहस बेकार करेंगे पापा जी। ये पापा लोग डांटते वगैरह बहुत है ना, और मैं देख रहा था ऑडियंस में, एक सवाल करना चाहता हूं मैं, आप लोग में से कितने लोग हैं जो पिता से डरते हैं और कितने लोग हैं जो पिता से प्यार करते हैं? जरा माइक दीजिए। सर मेरा नाम राज सिंह, मैं राज सिंह। यस जी राज सिंह का। सर पापा से पिटाई तो बहुत पड़ी पर हिम्मत करके कभी नहीं कह पाया, इस शो के मंच से मैं कहना चाहता हूँ आई लव यू माई डैड, बहुत प्यार करता हूँ। कहाँ रहते हैं वो? मैं सर घर में ही अभी तो। क्या नाम है उनका? मतलब मेरे कहने का मतलब मुंबई में है या किसी और शहर में? नहीं वो एमपी में रहते सर। एमपी में किस जगह रहते हैं? मध्य प्रदेश जिला सीधी। सीधी जिला में? यस सर। कौन सा गांव है? चुरहट। चुरहट में रहते हैं? यस सर। चुरहट? यस जी। चुरहट बड़ा मशहूर हुआ था एक जमाने में। यस सर। कुमार अर्जुन सिंह चुरहट जी। तो क्या नाम है उनका? श्री त्रिशूलधर सिंह। क्या बात है। तो चुरहट में रहने वाले त्रिशूल दत्त सिंह साहब, आपका बेटा राज सिंह आपसे कभी चेहरे के आमने सामने रूबरू नहीं कह पाया वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन आज वो देश के सामने आपको कहना चाहता है। आप जहाँ भी बैठे हो मैं जानता हूँ आप इसे आशीष तो दे ही रहे होंगे, आप हम सबको भी आशीर्वाद दीजिए, इस कार्यक्रम को आशीर्वाद दीजिए जिसके माध्यम से यह बेटा आज अपने बाप से कह रहा है कि वो उनसे मोहब्बत करता है। आप जानते हैं कुछ ऐसा यहाँ होता है जो कहीं नहीं होता, और जो यहाँ होता है वो कहीं हो भी नहीं सकता। कोई कविता के प्रति, संस्कृति के प्रति, संस्कारों के प्रति, भाषा के प्रति, लफ्ज के प्रति, रदीफ के प्रति, काफिये के प्रति, गजलों के प्रति, कविता के प्रति, छंद के प्रति, दोहों के प्रति जो अनुराग हमारा है, जो आपका है, वो और कहाँ मिलेगा। तो आइए इस महफिल में आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं प्रतापगढ़ से आई मीरा तिवारी को, जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार सर, जीवन में अध्यापक रही हूँ और जीवन में जहाँ हम रहते हैं वहीं से हमारी पंक्तियाँ भी निकलती हैं। सामने बच्चे बैठे हुए हैं, पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। बड़ा बनना है तो अपना, बड़ा किरदार कर लेना। वाह वाह। बिठा
पढ़ना चाहती हूँ। इरशाद सुनिएगा। सबसे रिश्तों को निभाना जिंदगी, सबसे रिश्तों को निभाना जिंदगी, सबसे रिश्तों को निभाना जिंदगी, है स्वयं को आजमाना जिंदगी। क्या बात है, है स्वयं को आजमाना जिंदगी, डूबे हो खुद गम के सागर में तो क्या, डूबे हो खुद गम के सागर में तो क्या, डूबे हो खुद गम के सागर में तो क्या, सबके सम्मुख मुस्कुराना। क्या बात है, वाह वाह वाह, सबके सम्मुख मुस्कुराना जिंदगी, सबके सम्मुख मुस्कुराना जिंदगी। और आप सब श्रोता जो बच्चे बैठे हैं, मैं शेर अर्ज करती हूँ, सुने। वक्त तन्हा भी नहीं कट पाएगा, वक्त तन्हा भी नहीं कट पाएगा, आपकी खुशी, आपकी खुशी के आंसू समझ सकता हूँ, ये निश्चित तौर पे मैं समझ सकता हूँ कि लक्ष्य तक तन्हाई जाना जिंदगी, अब जरा सूरज दिखाना जिंदगी, ये इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि कोई व्यक्ति कला के क्षेत्र में बहुत समय से काम कर रहा हो। मेरे ख्याल से आप बहुत सालों से कविताएं पढ़ रही हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे नहीं मालूम कितने वर्षों से, क्योंकि मैं आज आपसे पहली बार मिल रहा हूँ इस मंच पर, लेकिन आप इतने वर्षों से कविताएं पढ़ रही हैं और इतने वर्षों बाद जब आपको अपने परिश्रम का परिणाम मिलता है कि आप टेलीविजन पे पहली बार आती हैं, तो मैं आपकी इस खुशी को समझ सकता हूं कि आपका परिश्रम जो है वो निष्फल नहीं गया। जिंदगी आजमाती है लेकिन फिर रास्ते मिल जाते हैं, आपको भी मिल गया। क्या बढ़िया आपने शेर क्या कहा, मैं आपकी तरह गा नहीं सकता, वरना तो मैं थोड़ा गा था। ना 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 खुजलियां हद से ही बढ़ती जाए जब, खुजलियां हद से ही बढ़ती जाए जब, छुप छुपा के ही खुजाना जिंदगी। हम क्या जरा हास्य के लोग हैं, अलग किस्म के काफी ढूंढ लेते हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है मीरा जी, मुझे ज्यादा खुशी तब होती है जब लोगों को उनका स्थान मिले। आप तीनों को अपना मुकाम मिल रहा है, तीनों ही आप उत्तर प्रदेश से हैं,
मुझसे ज्यादा प्रसन्न आज कोई नहीं है कि तीन नए लोगों को मुकाम मिल रहा है, इसमें खुशी की बात है। क्या बात है, वाह। हम खुशी में बदल ही जाते हैं, ऐसा देखकर हुनर गया कोई। हम भी आपको एक हुनर देखे जा रहे हैं गम को खुशी में बदलने का। बस गम को गम मानिए ही मत, गम को गम नहीं मानेंगे, दुख को दुख नहीं मानेंगे, तकलीफों को तकलीफ नहीं मानेंगे, तो छक मार के खुशियों को आना ही पड़ेगा। और अगर खुशियां नहीं आए तो हम तो रोज ही रात को 9:30 बजे आपके लिए खुशियां लाने वाले और कहने वाले, वाह भाई वाह।